सिर्फ एक पेंटिंग है, वो एक असेंबलाज आर्ट जिसको बोलते हैं, वो आर्ट फॉर्म है. एंड ये बहुत कम देखा जाता है इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड लाइक इंडिया. एंड कुणाल नायक बहुत ही उभरते आर्टिस्ट जो जो अभी अभी इस मंच पे पहुंचे हैं और जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और मैं उनका काम फॉलो करते आया हूँ पिछले 2-3 साल से. और मुझे आज बहुत खुशी है कि उन्होंने इस तरह का आर्ट फॉर्म एक प्रेजेंट किया है जो इट्स नॉट जस्ट अ शेयर पेंटिंग और इट्स नॉट जस्ट अ शेयर आर्टिफैक्ट और समथिंग लाइक दैट. दोनों का मिक्सचर है, दोनों का एक जिसको बोलते हैं इंस्टॉलेशन भी है और पेंटिंग भी है, उसका एक मिक्सचर है. और ये वाकई में आई फील पर्सनली थोड़ा सा नया आर्ट फॉर्म है फॉर दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. एंड आई रियली सपोर्ट इट. एंड कुणाल नायक इज अ ब्रिलियंट आर्टिस्ट. अभी अभी वो शुरू कर रहे हैं एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर इट. इस तरह की आर्ट को देख कर आप कौन सी इमेजिनेशन की दुनिया में आप चले जाते हैं? ये देखो क्या है कि इनका जो असेंबलेज आर्ट है वो ही इज पुट अक्रॉस लॉट ऑफ डिफरेंट फ्रेम्स ऑफ माइंड. कि आदमी के दिमाग में क्या चलता है, आदमी के जहन में क्या चलता है, कभी उसका ईगो होता है, कभी जेलसी होती है, कभी प्यार होता है, कभी रोमांस होता है, कभी जन्म के वक्त का फीलिंग होता है, कभी मौत के वक्त का फीलिंग होता है. तो एक आर्ट फॉर्म में प्रेजेंट करना कि वो स्टेट ऑफ माइंड क्या होगा एक इंसान का, वो उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से प्रेजेंट किया. वो उनका खुद का इंटरप्रिटेशन है और वो उन्होंने अपनी तरीके से बहुत अच्छी तरह से इंटरप्रेट किया है और ब्यूटीफुल आर्ट फॉर्म में प्रेजेंट किया. इमोशंस और जो शायद हम सारे लोगों के जहन में चल रहा होता है. जैसे हम लोग कभी घर से झगड़ के बाहर निकलते हैं, माँ बाप से प्रॉब्लम होते हैं, स्कूल के दोस्तों से प्रॉब्लम होते हैं, प्यार में प्रॉब्लम होते हैं, वो सारे प्रॉब्लम शायद उन्होंने एक आर्ट फॉर्म में दिखाने की कोशिश की और बहुत सक्सेसफुली की है ऐसा मुझे लगता है. बट एवरीबडी हैज अ राइट टू इंटरप्रेट ऑन दैट. एज अ डायरेक्टर आप तो कोशिश करते हैं सारी चीजों को, एक्सप्रेशन को, जो भी सिचुएशन होती है आप दिखाने की कोशिश करते हैं. आप एज एन एक्टर आप ट्राई कर रहे हैं, इसके बारे में कुछ बताइए. देखिए वो तो एक्टर तरीके तो ये होता है कि जो मन में फील हुआ वो आपने प्रेजेंट कर दिया फेस पे. हाँ मैं कुछ छोटे मोटे रोल करते रहता हूँ. हाँ लेकिन वो क्या होता है कि फॉर एन एक्टर ना जो आपके मन में आपको फील हो रहा है वो शायद आसानी से फेस पे आ जाता है. बट एज एन आर्टिस्ट, एज ए असेंबलेज आर्टिस्ट, आपको एक्सप्रेस करने के लिए शायद 1-1.5 साल लगता है एक पीस बनाने में. और जो भी आपके मन के इमोशंस है एक थ्रू एक आर्ट फॉर्म एक्सप्रेस करना, जहाँ पे ना आपको जुबान है, ना आपको बोलने की एक ना बोलने का जरिया है, एक एक विजुअल फॉर्म है जिसमें से आप उसको प्रेजेंट कर रहे हो, आई थिंक इट्स अ मच ग्रेटर आर्ट फॉर्म एंड इट्स फैंटास्टिक. आने वाले समय आपकी कौन सी फिल्में आने वाली है? फिलहाल तो स्क्रिप्टें ही चल रही हैं बिकॉज इट हैड बीन अ लॉन्ग ट्रिप. इन लास्ट 2 ईयर्स आई मेड 4 फिल्म्स विच वॉज टू मच फॉर मी ऑल्सो. So I'm going slow right now. I'm just concentrating on a few scripts. Maybe aage phir 3-4 aayenge, lekin abhi filhal I'm going slow. Thank you.